पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम हमारी पुलिस करेगी। उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। ये मुंबई है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ कोई गैंग वैंग नहीं चलेगा। लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे और यहाँ पर गैंग चलाने की कोशिश की तो उखाड़ देंगे। ये बातें कही हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे मंगलवार को सुपर स्टार सलमान खान के घर पहुंचे। उन्होंने सलमान खान को पूरी सिक्योरिटी का भरोसा दिया। बता दें कि 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसके बाद से ये मामला हाईलाइट है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम पर बातचीत की, साथ ही सुरक्षा का भरोसा दिया। सलमान खान से मुलाकात के बाद उनके घर से बाहर निकले एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात की। सीएम शिंदे ने कहा कि यहां गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए एकनाथ शिंदे की पूरी बात। सलमान की भेंट हुई है। जब यह हादसा हुआ था तब मैंने पुलिस कमिश्नर को तुरंत सुबह ही सूचना दी थी, जल्द से जल्द ये पुलिस कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। साथ ही शिंदे ने कहा कि पिछली सरकार में जो हुआ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम उन सभी गिरोहों और गुंडों को उखाड़ फेंकेंगे जो राज्य में किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सलमान खान के घर के फायरिंग के आरोपी विकी गुप्ता और सागर पाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सागर पाल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। बता दें कि मंगलवार को कच्छ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था। बाद में शहर की एक अदालत ने गोलाबारी की घटना के सिलसिले में दोनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया। गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में कहा था कि गुप्ता और पाल को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने सलमान खान के घर गोली चलाने का काम सौंपा था। हालांकि जब बिश्नोई की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुंबई पुलिस के अधिकारी इस बारे में पड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि सलमान खान को नवंबर 2022 से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की धमकियां मिल रही हैं। धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उनकी सिक्योरिटी के लिए नया बख्तरबंद वाहन भी खरीदा गया है। नवंबर 2022 में जब ये मामला सामने आया था तभी से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ी हुई है। गोलीबारी के प्रकरण के बाद दोबारा उनकी सुरक्षा को और टाइट कर दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।